मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्या सीखेंगे? क्लास सेकंड का फिफ्थ चैप्टर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कि मल्टीप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग। मल्टीप्लाइंग यानी एक ही चीज को बार बार जब हमें प्लस करना पड़ता है, या फिर प्लस कर सकते हैं या फिर उसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इफ अ चिल्ड्रन हैज़ टू टॉफी, देन हाउ मैनी टॉफी डू फोर चिल्ड्रन है। इसमें ऐसे कहा गया है कि अगर एक बच्चे के पास दो टॉफी है, ऐसे ही अगर चार बच्चों को दो दो टॉफी दी गई है तो वो कितनी टॉफी होगी। तो आप कैसे करेंगे? टू टॉफी, टू टॉफी, टू टू, फिर हम इन सबको एक साथ प्लस करेंगे। टू प्लस टू फोर, फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स प्लस टू एट, आ गया ना एट आंसर। पर इसे ही सिंपल वे में करना अगर होगा और शॉर्टकट में करना होगा तो हम क्या करेंगे? दस, फोर चिल्ड्रन हैव टू मल्टीप्लाई फोर, यानी कि दो टॉफी और लोग कितने हैं? चार, तो उनको कितनी टॉफी मिलेगी? एट। इसका आंसर और इसका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। इसी तरीके से सिमिलरली फाइव चिल्ड्रन हैव सिमिलरली फाइव चिल्ड्रन हैव टेन टॉफी, फाइव टाइम्स टू इज टेन। क्या लिखा गया है? फाइव चिल्ड्रन हैव टेन टॉफीज, पांच बच्चे हैं उनके पास दस टॉफियां हैं। फाइव टाइम्स टू इज टेन, यानी कि जब हम पांच बच्चों को दो दो चॉकलेट देंगे तो वो कितनी होगी? दस। जैसे चार चॉकलेट चार जनों को दी थी तो हो गई थी आठ, एट। ओके, तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? टू मल्टीप्लाई फाइव इज इक्वल टू टेन, एंड रीड इट एज फाइव मल्टीप्लाइड बाय टू इज टेन। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे क्या दिया गया है? देखो, थ्री बर्ड्स है, इसमें थ्री बर्ड्स है, इसमें, 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 सब में थ्री थ्री बर्ड्स है। अब इसको हमें गिनना पड़ेगा, थ्री थ्री सिक्स, थ्री थ्री नाइन, नाइन और थ्री कितने होंगे, तो हमें गिनना पड़ेगा टेन, इलेवन, ट्वेल्व, फिर थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवनटीन, एटीन, फिर एटीन आंसर हमें मिलेगा। हमें कितनी बार काउंट करना पड़ेगा? बहुत बार। इससे अच्छा हम थ्री की टेबल अगर याद कर लेते हैं और थ्री की टेबल सिक्स बार काउंट करते हैं तो एटीन आंसर आ जाएगा। जैसे थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री टू ज़ा सिक्स, थ्री थ्री ज़ा नाइन, थ्री फोर ज़ा टेन, थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन, एंड थ्री सिक्स ज़ा एटीन। इसके लिए आपको बच्चों टेबल भी याद करनी ज़रूरी है। टेबल आपने याद कर ली होगी, जैसे यहाँ पे थ्री थ्री आइसक्रीम्स है, कितनी बार है? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। आपको सेवन बार थ्री थ्री काउंट करना पड़ेगा, तब आएगा 21। या फिर आप थ्री की टेबल सेवन बार पढ़ेंगे तो 21 आ जाएगा, है ना। इस मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लाई करने के लिए आपको टेबल याद होना बिल्कुल ज़रूरी है, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। अब जैसे यहाँ पे देखिए, एक्सरसाइज 5.1 फिल इन द ब्लैंक्स लिखा हुआ है। इसमें फर्स्ट आपको करके दिखाया गया है कि 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना होता है? 15। पर आपको इसको मल्टीप्लाई के हिसाब से लिखना होगा, तो आप कैसे लिखेंगे? 5 मल्टीप्लाई 3। 5 कितनी बार है? पहले तो यही डिजिट यहाँ लिखेंगे, फिर आप गिनेंगे कि ये कितनी बार है, 1, 2, 3, तो वो 3 यहाँ पे लिखेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। 5 की टेबल 3 बार पढ़नी है, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10 और 5 थ्री ज़ा 15। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखिए कुछ नहीं दिया, आपको ये खुद करना है। जैसे कि 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यहाँ पे लिखेंगे आप 18। अब यहाँ पे पहले यही डिजिट यहाँ लिखना है जो डिजिट दिया गया है, अब इसको काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आपको 3 की टेबल 6 बार काउंट करनी है, 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, 3 थ्री ज़ा 9, 3 फोर ज़ा 10, 3 फाइव ज़ा 15 और 3 सिक्स ज़ा 18। देखिए, ये आंसर और ये आंसर बिल्कुल सेम आएगा। अगर ये आंसर और ये आंसर सेम नहीं आता है, यानी कि आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। अब देखिए, 7, 7, 7, अब 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 7 21,
अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेवन लिखेंगे, कितनी बार है, वन टू थ्री। अब सेवन का थ्री में मल्टीप्लाई करेंगे, सेवन की टेबल बोलेंगे थ्री टाइम्स, सेवन वन ज़ा सेवन, सेवन टू ज़ा फोर्टीन, सेवन थ्री ज़ा 21। हो गया आंसर आपका, ठीक है। अब हम देखते हैं कि टू कितनी बार लिखा गया है, टू प्लस टू फोर, फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स प्लस टू एट, एट प्लस टू टेन, टेन प्लस टू ट्वेल्व, ठीक है। ये तो हमको प्लस कर करके लिखना पड़ रहा है, पर अब ये डिजिट सेम यहाँ पे लिखेंगे टू, फिर इसको काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब टू की टेबल आपको सिक्स बार पढ़नी है, टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू फोर ज़ा एट, टू फाइव ज़ा टेन एंड टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व। देखिए आ गया दोनों आंसर सेम। इसी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, जैसे नाइन प्लस नाइन प्लस नाइन, ट्वेंटी सेवन, नाइन और थ्री, क्योंकि ये थ्री बार है, ट्वेंटी सेवन। अब थर्टी टू, एट कितनी बार है, वन टू थ्री फोर, एट वन ज़ा एट, एट टू ज़ा सिक्सटीन, एट थ्री ज़ा ट्वेंटी फोर, एट फोर ज़ा थर्टी टू, ठीक है। अब फोर की बारी, फोर फोर एट और एट प्लस फोर, एट के बाद फोर बार गिनो, एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। अब यहाँ पे लिखो फोर, यहाँ पे लिखो थ्री, क्योंकि ये थ्री बार है। अब फोर की टेबल थ्री बार पढ़ना है, फोर वन ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व। अब यहाँ पे काउंट करेंगे तो आएगा एट टू मल्टीप्लाई फोर, वन टू थ्री फोर, फोर, फिर टू की टेबल फोर बार, टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू फोर ज़ा एट। ऐसे ही फाइव प्लस फाइव टेन, फाइव प्लस फाइव टेन और फाइव, टेन टेन ट्वेंटी, प्लस फाइव ट्वेंटी फाइव, फाइव लिखिए, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव फाइव ज़ा कितना होता है, ट्वेंटी फाइव, सिक्स एटीन, सिक्स मल्टीप्लाई थ्री, सिक्स वन ज़ा सिक्स, सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व, सिक्स थ्री ज़ा एटीन। टेन प्लस टेन प्लस टेन कितना होता है, थर्टी, टेन मल्टीप्लाई थ्री इज इक्वल टू थर्टी, है ना आसान। पर आपको इसके लिए मल्टीप्लाई करने के लिए आपको टेबल बिल्कुल याद होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ तक के आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए, इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको टेबल बिल्कुल याद कर लेना है, है ना। आपने कर ली होगी शायद तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा गया है कि मल्टीप्लिकेशन विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आपने पहले प्लस और माइनस करना सीखा है, वैसे अभी आप मल्टीप्लाई करना भी सीखेंगे। डू यू नो हाउ टू स्किप काउंट ऑन द नंबर लाइन। तुम जानते हो कि नंबर लाइन पर कैसे काउंट करते हैं। यू मे यूज द नंबर लाइन टू कैरी आउट मल्टीप्लिकेशन इन सेम वे, जैसे कि आपने इसको पहले यूज़ किया था उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम वे में ही यूज़ करना है। मल्टीप्लाइंग फोर मल्टीप्लाई थ्री, स्टार्ट एट ज़ीरो, मार्क थ्री ग्रुप ऑफ फोर्स टू द राइट ऑफ ज़ीरो। क्या लिखा गया है कि फोर तक आपको कूदना है, ज़ीरो से फर्स्ट फोर तक, और उसके बाद फोर फोर करके आपको थ्री टाइम्स जंप करनी है। देन वी रीच एट द पॉइंट मार्क 12, तब हम पॉइंट 12 तक पहुंचेंगे, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12 होता है। कैसे पता करेंगे, अब हम यहाँ से देखेंगे। जैसे फर्स्ट जंप हम करेंगे कहाँ पे, 4 पे, पर 4 के आगे आप कहाँ पे करोगे, उस 4 में 4 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 4 के बाद आपको गिनना है 5 6 7 8, 8 पे जंप करोगे यहाँ से, फिर उसके आगे आपको और 4 गिनना है, 8 के बाद 9 10 11 12, फिर लास्ट 12 पर, तो आपका आंसर 12 आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए, नाउ डू द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द लाइन इन
द सेम वे, यानी कि ऊपर बताए हुए तरीके से आप इस क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 6 × 2, यानी 6 करके आपको कितनी बार जंप करना है, 2 बार। जैसे फर्स्ट हम तो 0 से 6 पे जंप करेंगे, ठीक है, पर अब 6 से हम कहाँ जंप करेंगे हमें कैसे पता चलेगा, तो 6 के बाद आपको 6 बार काउंट करना है। 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12 किधर आएगा, 12 पे, ये ऐसे। तो ये जो होगा ये हमारा होगा आंसर, 6 × 2 क्या होगा, 12, ठीक है ना। इसी तरीके से मल्टीप्लाइंग 5 × 4, यानी 5 करके आपको कितनी बार जंप करना है, 4 बार। जैसे फर्स्ट 0 से 5 पे करोगे, फिर कैसे पता चलेगा आपको, इसीलिए आपको टेबल याद होनी चाहिए, तब आपको पता चलेगा 5 के बाद आएगा 10, 10 के बाद आएगा 15, 15 के बाद आएगा 14, ये होगा आपका 5 × 4 = 20। जब आपको ये जंप करना कैसे पता चलेगा, जब आपको टेबल अच्छी तरीके से याद होगी, है ना, नहीं तो आपको प्लस कर करके जंप करना पड़ेगा। अभी 3 × 4, यानी कि 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, तो आपको 3 की टेबल पढ़नी है। जैसे फर्स्ट तो हो गया 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 और 3 × 4 = कितना आ गया, 12, यानी आंसर हो गया आपका 12। अब 5 को मल्टीप्लाई करना है 3, यानी 5 करके आपको 3 बार जंप करना है, तो आपको टेबल आनी चाहिए, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, यानी कि इसका आंसर हो गया 15। आपको नंबर लाइन के लिए, आपको मल्टीप्लाई करने के लिए आपको टेबल आना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आपको टेबल याद करना है। नॉर्मली 2 से स्टार्ट करिए और रोज की एक एक करके आप अपना टेबल याद कर लीजिए। इसके लिए आप अपने पेरेंट्स की भी सहायता ले सकते हैं।